फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूं सोनिया शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साइड में चल रही फुटेज को देखके आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज की हमारी रेसिपी क्या होने वाली है। शेक तो आप सब बना ही लेते होंगे। उसी शेक में आज हम कुछ ऐसी चीजें ऐड करेंगे जिससे वो और ज्यादा हेल्दी और टेस्टियर बनेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो शेक बनाने के लिए लिए है मैंने 4 बनानास। उसके बाद लेंगे हैवी क्रीम जो कि ऑप्शनल है। क्रीम का यूज करने से बनाना शेक को एक अच्छी सी रिचनेस और टेक्सचर मिलेगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर या दालचीनी पाउडर। स्वीटनर के लिए यहाँ पर हम हनी का यूज करेंगे। आप चाहें तो शुगर फ्री पाउडर या चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और चिल्ड फुल क्रीम दूध, आप चाहें तो यहाँ पर डबल टोन मिल्क या सोया मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिक्सर में हम डालेंगे कट किए हुए बनाना पीसेस। क्योंकि हम सिर्फ एक बड़ा गिलास बनाना शेक बनाएंगे तो उसके लिए लूंगी मैं सिर्फ 2 बनानास। इसके बाद डालेंगे 100 ml के आसपास क्रीम और लगभग 1/2 गिलास के आसपास दूध। हाफ टी स्पून सिनेमन पाउडर, 1 टी स्पून वनीला एसेंस और एंड में 2 बड़े चम्मच हनी। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी स्वीटनर यूज कर सकते हैं। और अगर आप बनाना शेक को चॉकलेटी फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें एक बड़ा चम्मच कोको पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। 1 मिनट ग्राइंड करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 आइस क्यूब्स। आप चाहें तो आइस क्यूब्स पहले ही बनाना के साथ भी डाल सकते हैं। अब इसको फिर से ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए, आपका हेल्दी बनाना शेक तैयार है। तो चलिए इसको अब सर्व करते हैं। बनाना शेक को सर्व करने के लिए लिया है मैंने एक कांच का बड़ा मग जिसके अंदर हम अपना बनाना शेक पोर कर देंगे और गार्निशिंग के लिए बनाना की पतली सी स्लाइस विद मिंट लीव्स ग्लास के बीचों बीच इस तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए गार्निशिंग के बाद कितना अच्छा लग रहा है आपका बनाना शेक। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि बनाना शेक कैसा बना। तो